तो गाइस आई होप अब तक आप लोग भी थोड़ा सा उभर ही गए होंगे जो हम सब लोगों ने विटनेस कराए जो एक महान प्रो शो हुआ है हमारे यहाँ पर, मतलब इससे बड़ा और इससे बढ़िया प्रो शो तो कभी हुआ ही नहीं होगा यार। बुरा लग रहा है सोच कर भी, मतलब क्या था ये, क्या हो गया ये। आपको पता है इतने क्वेश्चंस यहाँ पर हमेशा इंडियन जजिंग पर उड़ते रहते हैं, अरेंजमेंट्स पर उड़ते रहते हैं, प्राइज दिए जाने पर उड़ते रहते हैं और प्लेसिंग्स देने पर भी उड़ते रहते हैं कि जजेस कोच होते हैं, ऐसा होता है, बायस होते हैं वगैरह वगैरह। जब ऐसा होता है ऑलरेडी तो बॉस आपको तो और ध्यान देना चाहिए। नहीं भाई, जिस पर एक बार किसी का शक चला जाए तो वो तो और ध्यान रखेगा ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना उठे, कि लोगों का ध्यान इस तरफ घूमे ही ना। लेकिन बॉस यहाँ तो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग एंड इट वॉज सैडनिंग। मतलब जजिंग से विश्वास ही उड़ गया यार। अब ये वीडियो मुझे कल बनाना था बट आई हैड सम वर्क गाइस। मुझसे आप में से कई लोगों ने इंस्टा पर बात भी करी तो एनीवेज, मैंने कई सारे वीडियोस देखे इस रिगार्डिंग, ऑल अबाउट ओलंपिया के, बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर के, एंटिक फिटनेस के, तरुण गिल के वगैरह वगैरह, और ऑलमोस्ट कोई भी गाइस कोई भी इस डिसीजन से खुश नहीं है। कई सारे और भी दूसरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वो भी खुश नहीं है इस डिसीजन से। तो बॉस फर्स्ट थिंग, प्रो शो में कोई प्राइज ही नहीं मिला, ना विनर को ना रनर अप को, किसी को भी नहीं। भाई ऐसा प्रो शो कहाँ होता है, इवन छोटे छोटे गली के नुक्कड़ में शो होते हैं ना गाइस, वहां पर भी टेंट लगाकर वहां पर भी थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं। और ये तो आईवीबी का शो था, एक काफी नेम्ड प्रो शो, और कितने पैसे इन लोगों ने बनाए हैं, आई मीन टिकट के पैसे, कितने धड़ाधड़ टिकट बिके हैं पता है इस शो के, जितने भी अंदर स्टॉल लगे हैं सबसे पैसे लिए गए, एथलीट्स की रजिस्ट्रेशन के पैसे, टैनिंग के पैसे, और स्पॉन्सर्स, भाई बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलने लगे हैं अब इनको, उन सब के पैसे। और एथलीट्स जो इतनी मेहनत करके, जान देकर, डाइट करके खेलने आते हैं, उनको क्या मिला, ठेंगा। तो बॉस ये तो एक एग्जांपल सेट है, मतलब प्राउड ऑफ यू मैन कि आपने बिल्कुल भी प्राइज मनी नहीं दिया। उसके बाद चले आगे चलते हैं मेन प्रो शो में, प्री जजिंग और फाइनल्स में पता है कितना डिफरेंस था, मुश्किल से एक घंटे का। भाई ऐसा कहाँ होता है, एथलीट कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता, एक घंटे का डिफरेंस मतलब हद है यार। और कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम कम बचा था और जल्दी खींचना था ये शो, तो भाई बस एक चीज बता दो, किस चीज का शो था ये, डांस का था, रैप का था, बॉडी बिल्डिंग का था, राइट। भाई आप 15-15 मिनट की डांस परफॉर्मेंसेस करवा रहे हो, और मतलब यार कहां देखा है प्रो शो में डांस हो रहा है, हु वांट्स टू सी दिस। भाई डांस परफॉर्मेंसेस, आप फॉरेनर्स आए हुए हैं यार, एक बॉडी बिल्डिंग के प्रो शो में आप डांस परफॉर्मेंसेस करवा रहे हो, मतलब हद है यार। और फिर भाई रैप भी हो रहे हैं, रैपर आए हुए हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है क्या? मतलब बॉस आई नो वन थिंग कि अपने शो की रेस्पेक्ट करवाना, अपने कंट्री की रेस्पेक्ट करवाना आपके हाथ में होता है, और इस तरह डांस को, रैप को टाइम देकर प्री जजिंग और फाइनल्स को एक ही घंटे में खींच देना, क्या ही बोलूं। और हर दिन ऐसा ही चला है गाइस, इवन इतना ज्यादा स्पीड में भगाया जा रहा था शो कि कॉलआउट्स में पोज तो एथलीट्स हिट भी नहीं कर पा रहे थे कुछ, और दूसरा पोज बोल दिया जाता था। आई मीन या तो गाइस आप पहले ही सब कुछ डिसाइड करके बैठे हो और यहाँ पे खाने पूरी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भाई तो पोज हिट करने के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं और दूसरा पोज बोल दिया गया। डू यू थिंक इट्स फेयर टू हिम, या इतने कम टाइम में किसी भी एक पोज को देखा जा सकता है, किसी भी एक पोज के लिए देना चाहिए इतना कम टाइम? बट नहीं बॉस, ना हमें प्राइस देना है ना किसी को टाइम देना है, हमें तो इंडियाज गॉट टैलेंट करवाना है। और बीच में यू नो एसी भी बंद हो गया था, कैन यू बिलीव इट, एक इतना बड़ा शो, कहां कहां से लोग आए हुए थे, एवरीवन पेड, और आप ऐसा इंतजाम दिखा रहे हो कि एसी तक बंद हो गए। मतलब जितनी तारीफ करी जाए कम है गाइस, बहुत बहुत ही लाजवाब शो था, बहुत ही अमेजिंग शो था, मतलब एग्जांपल सेट है। चले हम बात करते हैं जजिंग की, जिस पार्ट के लिए सब आए हैं यहां पर। बात हम करेंगे सिर्फ टॉप थ्री की, बात तो वैसे क्लासिक डिविजन की भी करनी है, इंडियन रॉक और स्पेशली मनोज सारंगपानी ब्रो की, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आज सिर्फ मैसेज कवर करेंगे। और अगर आपको ये भी देखना हो तो बॉस कमेंट्स में बता दो, और इंस्टा पर तो आप लोग मुझे अपना प्यार दे ही रहे हो। तो गाइस ये शो यहाँ पर जीता सेकंड टाइम इन अ रो भुवन चौहान ने, राहुल फिटनेस आज सेकंड प्लेस पर, अनली बिलाल थर्ड प्लेस पर। अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब चलो पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात करते हैं। ये फिजिक देखो कहाँ से भाई कहाँ से लैग कर रही है, परफेक्टली पीक्ड फिजिक है ये, कंडीशनिंग बिल्कुल टॉप नॉच, टॉप लेवल की कंडीशनिंग लाए थे ये, फ्लो, एस्थेटिक्स, मेंस फिजिक लुक सब है, मसल्स पूरे फुल हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड मेंस फिजिक लुक। एक ऐसा एथलीट जो यहाँ देखो एरिन बैंक्स के साथ खड़ा है, और यहाँ देखो बिल्कुल ब्रैंडन हेंडरसन के साथ खड़ा हुआ है, इन द वेरी इनर सर्कल, और जो यहाँ पर भी इसी कंडीशनिंग इसी लुक के साथ आया है उसे थर्ड प्लेस मिली है यहाँ पर। एंड विनर आप खुद देख लो गाइस, वी डोंट हैव टू बी बायस्ड, ये अपनी कंट्री का है या हम फैन है ये सब छोड़ के बात करते हैं। साइज लैकिंग, मसल्स फ्लैट पड़े हैं, चेस्ट देख लो नो फुलनेस नो थिकनेस, कोर देख लो कोई एस्थेटिक शार्पनेस ही नहीं है, कंडीशन में भी ही इज लैकिंग। ये भुवन का बेस्ट वर्जन भी नहीं था गाइस, एंड अली अली वॉज एट हिज वेरी बेस्ट, इवन राहुल गाइज राहुल वॉज लुकिंग अमेजिंग, लुक एट हिम, कितने जबरदस्त राहुल यहाँ पर आए थे, मतलब कोर देखो राहुल की, और भुवन से कंपेयर कर लो आप खुद ही, कंडीशनिंग देख लो गाइज बहुत बड़ा डिफरेंस है भुवन और राहुल में भी। मतलब कि गाइज ये एक ऐसा डिफरेंस था कि आप अपने घर में किसी एक नॉन बॉडी बिल्डिंग फैन को भी दिखाओगे ना तो भी वो बोलेगा कि अली बिलाल इज वे अहेड, बहुत ज्यादा एस्थेटिक मेंस फिजिक लुक था इनका, मतलब आप शार्पनेस देखो गाइज विद कंडीशनिंग, भुवन के तो मसल्स ही फुल नहीं थे, शार्पनेस और कंडीशनिंग तो दूसरी बात है, भुवन वॉज ऑन फ्लैट साइड, राहुल भी एक 3D लुक के साथ थे, मसल्स पॉप आउट कर रहे थे प्रॉपरली, एंड आई बिलीव ये राहुल का अब तक का बेस्ट वर्जन था, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम।
मतलब जब अली बिलाल को थर्ड पर प्लेस करा गया तो इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर एवरीवन, किसी को यकीन नहीं आया था। बट उसके बाद राहुल और भुवन में से राहुल वॉज गोइंग टू टेक इट। राहुल वॉज मोर कंडीशन, मोर पीक्ड, मोर शार्प एंड ज्यादा 3D लुक के साथ, बट जीतता कौन है? दिस फिजिक। नाउ एक बात बहुत क्लियरली समझ लेगा, माय क्रिटिसिज्म इज नॉट टुवर्ड्स भुवन, मेरा क्रिटिसिज्म है जजिंग के खिलाफ, बिकॉज जजेस मेड द डिसीजन। जो एक ऐसा एथलीट को थर्ड पर प्लेस कर देते हैं जो पिट्सबर्ग प्रो में एक टॉप स्टैंडर्ड शो में वहां पर फिफ्थ प्लेस लाता है, लास्ट ईयर आर्नोल्ड यूके जीतता है और मिस्टर ओलंपिया में नाइन्थ प्लेस पर आता है अपने डेब्यू में ही, एंड नाइन्थ प्लेस पर मूव होने से भी पहले गाइस सीधा सीधा एरिन बैंक्स और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन से कंपेयर करा जाता है। उसी एस्थेटिक फिजिक के साथ, उसी शार्पनेस के साथ, उसी कंडीशनिंग के साथ इंडिया में आने पर इंडिया में एक डिप्लीटेड, फ्लैट और लेस कंडीशन एथलीट से लूज करता है, उस एथलीट से जो थर्ड कॉल आउट में आया था लास्ट मिस्टर ओलंपिया में। एंड आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट ये सच है गाइस, तरुण गिल ने जो बोला कि इस बार भी भुवन थर्ड कॉल आउट या उसके बाद के कॉल आउट में ही आएंगे, ये आप देख लेना। अब आंखों पर पट्टी जानबूझकर बांधकर रखने वाली बात है तो ठीक है, बट बॉस वो फिजिक ही नहीं है, वो इंप्रूवमेंट्स ही नहीं है। 4 में से 3 शोज में तो आप फ्लैट आ जाते हो, साइज में आप ड्रास्टिकली लैक कर रहे हो, आप इंप्रूवमेंट्स कर नहीं रहे उस हिसाब से। इस शो में भुवन वॉज नॉट विनिंग, आप जो मर्जी बोल लो बट ही वॉज नॉट विनिंग इट। अली बिलाल नहीं तो राहुल फिटनेस, बट भुवन वॉज नॉट विनिंग इट, नॉट विद दिस फिजिक। मतलब यार आप इंडिया से बाहर किसी भी शो में, टॉप के शो में दोनों को भेज दो, अली वहां भी टॉप 5 क्रैक करके दिखा देंगे, कम से कम टॉप 5 गाइस। और भुवन विल नॉट डू इट। आई डोंट हेट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने में गाइस, बट बॉस जो है वो तो है। कल तक रोहित खत्री वॉज कम्पीटिंग, कोई नहीं मान रहा था कि ही इज डूइंग गुड, बट यहाँ पर वो बहुत इंप्रूव थे। रोहित मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, सबको दिखा ना, सबने अप्रिशिएट भी करा, राइट, सबने पसंद करा उनकी फिजिक को। तो ऐसा ही है गाइस, जो होगा वो तो बोला ही जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक बॉडी बिल्डर ने, यूट्यूबर ने इस पर बात करी। अब बॉस एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं इसी पर। इस शो के बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज और पोस्ट डाले गए। अली बिलाल ने लाइव आकर भी बात करी एंड अपोज करा इस डिसीजन को, जिसके बारे में कई लोगों ने बोला इट्स नॉट अ स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड। तो इसको दो तरह से देखते हैं। नंबर वन, आप मुझे ये बता दो गाइस कि आपके साथ बहुत बुरा होता है, विल यू नॉट स्पीक अबाउट दैट? जब आप बहुत बुरी तरह से गलत तरीके से हारे हो, गलत तरीके से हर्ट हो, वॉन्ट यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग? या तो आपको सही तरीके से बीट करा गया हो, इट वॉज राइट, तब तो समझ में आता है, बट गाइस गलत तरीके से कुछ होता है ना तो बहुत ज्यादा लगती है। एंड नंबर टू, चलो मान लिया ये गलत था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मान लिया, बट क्या ये चीज शो के बाद भुवन ने नहीं करी? अली बिलाल की आप जितनी भी स्टोरीज देखोगे, पोस्ट देखोगे, ही हैज शोन हिज लव टू इंडिया, टू द पीपल, इतनी तारीफ करी और शुक्रिया करा है लोगों का जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और बोला है तो सिर्फ डिसीजन के खिलाफ। एंड ये स्टेटमेंट कि मैं 9th आया था, अब भुवन 8th आकर दिखाएं? तो बॉस आप खुद के दिल पर हाथ रख के बोल लो कि भुवन क्या टॉप 10 भी क्रैक कर सकते हैं? और फिर जो लोग ये बोल रहे हैं कि अली बिलाल ने बहुत नॉन स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, अब भुवन ने क्या करा है? सीधे लोगों को ब्लॉक, यूट्यूबर्स को ब्लॉक, जो भी कुछ बोल रहेगा उसको ब्लॉक। पोस्ट देखो भुवन के, हेटर्स ऐसे करते हैं, लोग हेट करते हैं, हेटर्स ऐसे होते हैं। एक बात बताओ, चलो हारने पर तो ऐसा बोलना फिर भी समझ में आ जाता है किसी तरीके से, बट जीतने पर? और अली ने एक जगह भी लोगों को, पब्लिक को नहीं बोला गाइस, बट ही हैज शोन हिज लव एंड रिस्पेक्ट। डिड भुवन शो दिस टू द पीपल? और एक ये कमेंट, एक अलग ही रिलीजियस एंगल गाइस, मतलब आप देख लो किस तरह की बात हो गई एकदम से, इस पर क्या बोलोगे आप, किस लेवल का गलत है ये? खैर गाइस, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, और इस तरह से, इस इंतजाम से, जिस तरह से ये शो कराया गया है, बाहर के एथलीट्स अब 10 बार सोचेंगे आने से। लास्ट ईयर के बाद इमरान डिड नॉट कम, अब अली विल नॉट कम, और दूसरी जगह आप प्राइज मनी तक नहीं दोगे, और ऐसे बायस होकर रिजल्ट्स हो गए। तो बॉस 2-2 लाख के टिकट्स लेके लोग आते हैं, जब लोग बाहर से आ रहे हैं तो दे विल थिंक अबाउट इट। बॉस दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये एक बहुत ही सैडनिंग मूवमेंट थी इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए। एंड ये ऐसा था कि अगर एरिन बैंक्स भी यहाँ पर होते तो बॉस तब भी भुवन चौहान ही जीतते, क्योंकि तब भी एक ये आर्ग्यूमेंट दे दिया जाता कि प्रो शो की विक्ट्री और मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग दोनों अलग अलग ही चीजें, क्योंकि ये बात तो भाई ऐसी है ना कि हर जगह बोली जा सकती है, तो वहां भी बोल देते। तो बॉस इस पर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, बट अकॉर्डिंग टू मी अली बिलाल या राहुल फिटनेस वर द विनर्स। और भाई अब से मुझसे कोई भुवन चौहान का कंपैरिजन करने नहीं बोलना गाइस, बिकॉज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एरिन से या किसी से भी कंपेयर अगर करूंगा, और कंडीशनिंग में, फिजिक में, शार्पनेस में, फ्लो में, अगर मैंने भुवन को हरवा दिया और वो एथलीट यहाँ पर आ गया, तो भाई फिर भुवन ने उसे हरा देना है। तो बॉस एक होता है बेस्ट, एक होता है ग्रेट, और एक होता है लेजेंड। सो भुवन चौहान तो अब एक लेजेंड है भाई, नॉट इनफ साइज, नॉट इनफ कंडीशन, नॉट पीक्ड, फ्लैट साइड पर होने पर भी, स्किनी आर्म्स के साथ भी, ही कैन बीट एनीवन एनी टाइम ऑन एनी गिवन डे। एंड आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, नहीं पसंद आया तो मुझे समझ में आ सकता है, बहुत सारे फैंस भी देख रहे होंगे, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे ऑनलाइन कोचिंग के लिए पिंग भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।